पत्र में तो भटिंडा के हॉस्पिटल का चरित्र लिखा कि एक एक भैया जी बीमार हो गए, उनकी उनको पील वो क्या बोलते टीवी टीवी हो गई, और टीवी होने के बाद शरीर में टीवी की गठान हो गई, टीवी की गठान। मेरा नाम जागृति गोयल है, मैं गांव खारिया जिला सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दिया। आप ही बैठा श्री शिवाय नमस्ते। डेढ़ साल पहले मेरे चाचा जी के पेट में दर्द हुआ, वो दर्द बहुत ज्यादा हो गया। सिरसा के हॉस्पिटल में दिखाने पर पता चला कि उनके पेट में आंत में गठान है। डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि गठान किस चीज की। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उनको टीवी की गठान हो गई। टीवी की गठान 6 महीने के अंदर दवाई लेते रहे पर गई नहीं। 6 महीने के बाद दवा खाने पर भी कोई असर नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने की दवा और लो। हमने 3 महीने की दवा और ली पर वो टीवी की गठान ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो इसके ऑपरेशन का नौबत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तब मम्मी पापा ने हिसार हॉस्पिटल में दिखाने का फैसला किया। हिसार हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए, उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया कि इसका ऑपरेशन अभी के अभी करना पड़ेगा। हमारा मन नहीं माना, हम हिसार से उनको भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल में ले गए। भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल में जांच करवाया, तो एम्स हॉस्पिटल में जांच करने पर पता चला कि इनकी टीवी की गांठ बढ़ रही है और उसका ऑपरेशन जल्दी ही करना पड़ेगा। अब गांठ का ऑपरेशन करना है, चाचा जी ने कह दिया, सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक के कथा कहता है तो इतनी जल्दी ऑपरेशन नहीं कराऊंगा मुझे डॉक्टर साहब, 1 महीना या 15 दिन के मुहूर्त दो, उसके बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगा। डॉक्टर ने चाचा जी से कहा, आप क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ते हो, ऐसे ढेर सारे महाराज दिन भर टीवी पे रहते हैं, आप ऑपरेशन कराइए। चाचा जी ने कहा, नहीं मुझे 15 दिन दे दो, 15 दिन के बाद मैं जांच कराऊंगा, 15 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगा। और मेरे चाचा घर आ गए और उनके ऑपरेशन की तारीख 15 दिन बाद ली गई। डॉक्टर ने उन्हें समझाया, तुम महाराज के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे आस्था चैनल पर तो ढेर महाराज आते हैं। चाचा नहीं माने और वो घर आ गए और 15 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख ली गई एम्स हॉस्पिटल गुरुदेव। चाचा जी ने शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाई और उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। आपने एक दुर्वा का प्रयोग बताया था, उस दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा। शंकर भगवान पर रुद्राक्ष मंगाया गया, उसका जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। 15 दिन के बाद हम भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल में फिर पहुंच गए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए जैसे ही गए, ऑपरेशन के पहले जांच प्रारंभ हुई। जांच में पता पड़ा कि जो टीवी की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी, उसका ऑपरेशन नहीं होगा। डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा एम्स का। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, ये गठान तो बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकती क्लियर। पर भोलेनाथ तो भोलेनाथ है गुरुदेव, हम बाबा को नमन करने के लिए आए हैं और शिव जी को हम नमन करते हैं। बाबू ठीक है, एक बेलपत्र ले जा, जा श्री शिवाय नमस्ते। शिव छत्र की प्राप्ति शंकर को घड़ी है, विदल उत्पल।